कार्य जैन दोस्तों इनकम टैक्स के अंतर्गत दोस्तों नई भर्तियां आ गई है दसवीं पास मात्र मांगा गया है ऑल ओवर इंडिया बेस्ड ये वैकेंसियाँ रहने वाली हैं बढ़िया नौकरी है अच्छी खासी सैलरी भी इसमें दी जा रही है छप्पन हजार तक आपको सैलरी मिलेगी जॉब की बात करूँ तो कैंटीन अटेंडेंट की ये वैकेंसियाँ आपके लिए रहने वाली हैं तो सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन को बताएंगे उसके बाद में आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करना है उसको भी फॉर्म भर के बताने वाला हूँ तो सबसे पहले चलिए दोस्तों इसके नोटिफिकेशन के ऊपर चल देते हैं कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसी हैं ट्वेंटी फाइव टोटल वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज भी आप चेक कर सकते हो सैलरी की इसके बाद बताई गई कि अठारह से छप्पन हज़ार मिलने वाले हैं सभी कैंडिडेट जो इंडिया के हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बस आपका दसवीं पास होना चाहिए किसी भी रिकनाइजेशन बोर्ड के द्वारा इसमें 18 से 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए इसके अलावा दोस्तों आप बताया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक मांगे गए हैं तो 8 नौ 2024 से लेकर 22 नौ 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे इसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं मांगी गई है तो दोस्तों बिना एप्लीकेशन फीस के अगर कोई फॉर्म भरा जा रहा है तो आपका फॉर्म भरने में क्या जा रहा है इसके अलावा एस सी कैंडिडेट को पाँच साल की छूट दी गई है ओ कैंडिडेट को तीन साल की और पीडब्ल्यू कैंडिडेट को दस साल की छूट इसके अंतर्गत दी गई है हाउ टू अप्लाई के लिए आपको दोस्तों टीएन इनकम टैक्स गवर्नमेंट डॉट की ऑफिशियल साइट के ऊपर चलना है और आपको मैं ऑलरेडी आवेदन करके बता देता हूँ उससे पहले डॉक्यूमेंट आपको दोस्तों तैयार कर लेना है टेंथ की मार्कशीट इसके अलावा आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट और दोस्तों अगर आपका जो तो तीन महीने से पुराना फोटो पासपोर्ट साइज का नहीं होना चाहिए तो चलिए दोस्तों अभी आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के भी मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार आपका फॉर्म भरा जाएगा इसके अलावा इसके अंतर्गत एग्जाम में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे टोटल नंबर आपके सौ रहेंगे उस प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक आपका अंक मिलने वाला है ये आपका सिलेबस रहेगा तो इसकी तैयारी आप जरूर कीजिए देखिए आपको अप्लाई का लिंक मिलता है इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जहाँ से आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद यहाँ से लॉग करेंगे अगर आप इसके सामने ये वाला पेज ओपन होता है तो रजिस्टर नाव का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम देना है लास्ट नेम देना है मोबाइल नंबर मेल आई और आपको यहाँ पर एक पासवर्ड जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा अब यहाँ पर फ्रेंड्स पासवर्ड के लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड है वो बना सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर सक्सेसफुल हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपने फ्रेंड्स से यहाँ पर देखिए जो भी मेल आईडी एंटर की है उस पर फ्रेंड्स एक एक्टिवेशन लिंक जाता है जहाँ से आपको आपके अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा तो आपकी मेल आईडी को ओपन कीजिए उसके इनबॉक्स में या आप अपने स्पैम फोल्डर में चेक कर सकते हैं उसमें जो मेल आएगा उसे आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद जो लॉगिन पेज है यहाँ पर आपकी मेल आई जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है और जो ये कैप्चा कोड है ये सोल्व कर कर आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं अगर अपना पासवर्ड आप भूल गए हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है तो यहां से आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको यहां पर लॉग करना होगा बस ये ध्यान रखिएगा लॉग करने के लिए आपको जो आपकी मेल आई है उस पर जो भी एक्टिवेशन लिंक आया है उससे आपके आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट 2024 का ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है आपका नाम तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके मेट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका नाम देना है इसके बाद आपको यहाँ पर आपका फादर नेम देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर मदर नेम देना होगा नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का है तो पूरा एड्रेस आपका जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे इसके बाद आपको आपका जो स्टेट है यूटी है वो आपको सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड की एंट्री करनी है अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एस का ऑप्शन दिया गया है अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स से यहाँ पर आपको कोई भी फोटो आई प्रूफ जैसे आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आई कार्ड पैन कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस आई का जो नंबर है और उस आईडी का जो नाम है उस आईडी पर जो भी नाम आपका मेंशन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर फिल करनी है और आपको आईडी कार्ड का नंबर देना है इसके बाद फ्रेंड्स से यहाँ पर आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है आप इस कैलेंडर पर जाएंगे और उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं तो ये जो जानकारी है वो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करनी होगी डेट मंथ एंड ईयर ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपका एज क्राइटेरिया काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए आपका जो इंडियन नेशनल कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेस्ट कर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स से यहाँ पर स्टेप टू आपके सामने यहाँ पर ओपन होगा जिसमें फ्रेंड्स आपसे कहेगा प्लीज़ अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन पी फॉर्मेट यहाँ पर साइज़ जो है वो वन एम पर फाइल आपका यहाँ पर रहेगा क्लियर आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैंडेट्री है आपके मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट जो भी आपकी मार्कशीट पर प्रिंटेड है अब नीचे आपने पर आपको यहाँ पर मेट्रिकलेसन की जानकारी देनी है तो आपको देना होगा सबसे पहले आपके बोर्ड का नाम इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग मतलब आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे इसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है तो आप यहाँ पर आपके जो बोर्ड का नाम है वही यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं या आपका जो मार्कशीट जिसने भी इशू किया है उसका फेंस आपको उस पर जो है वहाँ पर सील लगी मिलेगी या साइन आपको लिखा मिलेगा इसके बाद आपका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं और रिमार्क कोई है तो दीजिए नहीं तो आप यहाँ पर पास की एंट्री कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर देने हैं आपके फ्रेंड्स जो आपका नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मैंशन करने हैं तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स की एंट्री करनी होगी और इसके बाद आपको यहाँ पर देना है टोटल मार्क्स तो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स देंगे इसके बाद मार्क्स ऑप्टीन आपको देने हैं ऐसे ही साइंस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर्स हैं वो आपको देना है सोशल साइंस में कितने नंबर्स हैं वो आप यहाँ पर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर एड सब्जेक्ट करना है आप यहाँ पर फ्रेंड्स जो जो सब्जेक्ट्स आपके पास रही हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं तो आपकी जैसे सब्जेक्ट है इंग्लिश की तो आप इंग्लिश के नंबर देंगे इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास हिंदी है तो हिंदी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं या आपके पास जितनी भी सब्जेक्ट्स आपके पास रही हैं वो सब्जेक्ट्स की एंट्री आप यहाँ पर करेंगे तो ये आपकी जो मार्कशीट है उस पर फ्रेंड्स आपकी जितनी सब्जेक्ट्स मैंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नंबर्स एंटर करने होंगे मैं सिर्फ मैं यहाँ पर आपको सैम्पल शो कर रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग जितनी सब्जेक्ट्स आपकी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स देने हैं ऑटोमेटिक परसेंटेज वगैरह सब आपकी यहाँ पर आ जाएगी ये आपकी जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ये मैच करना चाहिए इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आप परसेंटेज को कंफर्म करें आप यस पर क्लिक करेंगे कि यही परसेंटेज आपकी मार्कशीट पर मेंशन है इसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है अब देखिए अगर आप ट्वेल्थ पास आउट हैं ग्रेजुएट हैं पीजी डिग्री है या आई डिप्लोमा आपके पास है आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या आई या डिप्लोमा है तो आप इन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं नहीं है ओनली आप टेंथ ही है तो आप इनको ब्लैक छोड़ देंगे इसके बाद है कैटेगरी या कम्युनिटी तो एस कैटेगरी आपकी है एस है और करना होगा जनरल में ये आप ऑप्शन आपका हट जाएगा बाकी फ्रेंड्स अदर कैंडिडेट को यहां पर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट कास सर्टिफिकेट है यह आपको में यहां पर अपलोड करना होगा इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन स्टेप थ्री है जिसमें आपको यहां पर अपलोड करना है फोटोग्राफ अब यहां पर देखिए फोटो अपलोड करना है मेटिकुलेशन का मार्कशीट अपलोड करना है आईडी प्रूफ अपलोड करना है आईडी प्रूफ कौन सा है जो कि आपने फर्स्ट पार्ट में यहां पर जो भी आईडी प्रूफ सेलेक्ट किया है वो आपको यहां पर अपलोड करना होगा अब आपसे कहा गया है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जेपीजी या पी पीएनजी फॉर्मेट में रहेगा बाकी डॉक्यूमेंट पी फॉर्मेट में रहेंगे फोटोग्राफ के लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए प्रोसीजर बताया गया है तो आप यहां पर इस नोटिफिकेशन को मैं आपको शो कर रहा हूं यहां पर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं गाइडलाइन में तो आपको यहां पर देखिए सैम्पल एक्सेप्टेबल फॉर्मेट फॉर पासवर्ड फोटोग्राफ आपको दिया गया है तो आपकी जो भी फोटोग्राफ है आपको फ्रेंड से नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपको यहां पर मैंशन करना जरूरी है वही फोटो यहां पर एक्सेप्ट होगी तो यहां पर देखिए इस तरह की जो फोटोज़ हैं वो फ्रेंड्स पर एक्सेप्ट नहीं होती है और पर पर फ्रेंड्स जो जो एक्सेप्टेड है वो आपको शो की गई बस ये ध्यान रखिएगा भी फोटोग्राफ है उसमें आपको जो आपका नेम है और आपका जो डेट ऑफ फोटोग्राफ है वो फ्रेंड्स से ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको देना है ऐसे ही नीचे आपको यहां पर सिग्नेचर के सैंपल भी दिए गए हैं जो कि आपके यहां पर अपलोड होते हैं तो यहां पर देखिए फोटोग्राफ का ऑप्शन है तो फोटोग्राफ आप अपलोड कर देंगे पीएच कैटेड है तो यस कर सकते हैं आपकी जो पी कैटेगरी की डिसेबिलिटी कौन सी है स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए वो आपको जानकारी देनी है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है और आपका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे और उसके बाद नीचे आपको यहां पर जो आई अंडरस्टैंड का ऑप्शन मिलता है और इसमें आपसे जो सिग्नेचर है वो फ्रेंड्स से सबसे लास्ट में आपसे यहाँ पर रिक्वायर्ड किए जाते हैं इसके बाद प्लेस का नाम लिखेंगे प्लेस कौन सा जहाँ से भी आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं जहाँ से मतलब आपका जो भी फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट है विलेज है जहाँ से भी आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद ही आप सेव एंड प्रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रिव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है तो आप क्लोज करके बैक जाकर उस गलती को एडिट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे फाइनल सबमिट यहाँ से कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स से यहाँ पर देखिए आपका फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा और उसके बाद देखिए जो तो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स से मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड करती है कैसे आप टी इनकम टैक्स कैंटीन अटेंडेंट का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस के बारे में अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फॉर वॉचिंग